नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमेठी टेक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने YouTube चैनल के लिए बैनर या आर्ट कैसे बना सकते हैं। तो वैसे दोस्तों, अभी तक हमने भी अपने YouTube चैनल पे बैनर या आर्ट नहीं लगा हुआ था, तो हमने भी एक सिंपल सा फ़ोटो ऐसे रख दिया था। तो एक हमारे दोस्त हैं चौहान जी, वो हमको मतलब मैसेज किए कि भाई आप भी कोई अच्छा सा बैनर बनाइए। तो हमने भी दोस्तों एक बैनर बनाया, हमको लगभग 20-25 मिनट या ऐसे कुछ लगा बनाने में। तो हमको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा, जैसे कि कोई कोई बार मतलब इमेज साइज बड़ा हो जाता था तो उसमें मांगा जाता था कि आप मतलब कि आपका इमेज साइज बहुत बड़ा है, आप उसको छोटा करिए, या बराबर से सेट नहीं हो पा रहा था। तो हमको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा। तो दोस्तों, हमने सोचा चलो हम वीडियो बना देते हैं ताकि जो हमारे वीडियो को देखे उसको मतलब परेशानी कुछ मतलब ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े, आराम से वो अपना जो मतलब चैनल का बर्नर है वो आराम से बना सके। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो ये एप्लीकेशन बेटर रहेगा आपको बैनर बनाने में। तो हमने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस पर सिंपली एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ पिक्सल लैब को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे साइड में 3 डॉट का निशान है, इसे आप क्लिक कर देना है। उसके बाद यूज फ्रॉम गैलरी, इसे आपको क्लिक कर देना है। आपको कोई एक फ़ोटो अपने गैलरी से चूज कर लेना है, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो चूज कर लेता हूँ, सिंपल सा एक फ़ोटो मतलब हमने कट किया था। उसके बाद इसको सही कर देता हूँ। उसके बाद फिर से आपको 3 डॉट के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद इमेज साइज पे क्लिक कर देना है। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है कस्टम, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आप लिखा है देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल बैनर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम गैलरी लिखा है, तो हमने एक मतलब कलर सा फ़ोटो एक हमने चूज किया है। तो मैं यहाँ पे जैसे ये फ़ोटो है तो आप हमको ये कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद यहाँ आपको आप देख सकते हैं कि मतलब इसको अच्छे से एकदम मतलब कि सेंटर में चारों तरफ से मतलब एकदम सेंटर में रख देना, क्योंकि जब बर्नर बनेगा तो आपका सेंटर में ही फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर नीचे साइड का होता है वो ऑटोमेटिक कट जाता है, वो मतलब सेट नहीं होता है। तो वहाँ पे कुछ फ़ोटो मतलब लंबा साइज में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अच्छे से मतलब कि सेट कर लिया है बीचों बीच में, थोड़ा और बड़ा हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने हमारा एकदम बीचों बीच में सेट हो गया है। तो दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि ज़्यादा मतलब वीडियो लंबा ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब अच्छे से लिख लेता हूँ जो हमको लिखना है। तो जैसे कि दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने लिख भी लिया, अपना फ़ोटो भी सेट कर लिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेव का आइकन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव अस इमेज पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर दिया, उसके बाद लिखा है सेव टू गैलरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। हमारा फ़ोटो सेव हो रहा है गैलरी में, तो हमारा फ़ोटो गैलरी में भी सेव हो गया। इसके बाद एडवर्टाइज आई तो मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद मैं चला आता हूँ अपने यूट्यूब पर, मैं चला आया यूट्यूब पर अपने। मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। उसके बाद हमको अपने आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपने चैनल पर क्लिक करना है। उसके बाद माय चैनल पर क्लिक करना है। माय चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग का आइकन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम जहाँ पे हमारा मतलब कि चैनल का बैनर है उस पर यहाँ पे कैमरा का निशान है, तो कैमरा के निशान पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा है चूज फ्रॉम योर फोटो, इस बाद इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पे हमारा फ़ोटो है तो मैं इस पर सिलेक्ट किया। उसके बाद इसको हम छोटा सा एकदम मतलब अच्छे से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा करके सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर सेव है तो मैं इस पर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमने सेव पे क्लिक कर दिया, हमारा फ़ोटो मतलब लोडिंग पे हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा है चैनल बैनर अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ थोड़ा बैक आके। तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर दिया और आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है एकदम अच्छे से यहाँ पे सेट हो गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने चैनल का बैनर अच्छे से बना सकते हैं।
तो दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।